फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी की रेसिपी। बहुत ही इजी है, आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। इसे आप बिस्कुट, केक या आप कोई भी स्वीट ब्रेड में यूज कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टूटी फ्रूटी की रेसिपी शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें कच्चा पपाया की जरूरत होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम कच्चा पपाया ले लिया है और इसको अब हम छील के और इसके अंदर की बीज को निकाल के इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। तो ये हम देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरीके से काट लिया है और पानी में भिगो के रखा है। पानी से हम इसे अच्छे से धो लेंगे और फिर हम चलते हैं इसको उबालने के लिए। इसको पानी में उबालना है, तो अब देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको काट लिया है। तो अब पानी में इसको उबालना है। 5 मिनट इसको हम अच्छे से पानी में उबालेंगे और हाई फ्लेम में हमें इसको उबालना है। इसको हम पहले पानी से इसलिए उबालते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो इसे हम अच्छे से 5 मिनट तक पानी में उबालना देते हैं और 5 मिनट बाद फिर इसको हम पानी से निकाल लेंगे। इसको अब छन्नी से छेक सकते हैं और या पानी से निकाल के किसी और बर्तन में भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने 5 मिनट उबाला है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको पानी से निकालने के बाद दोबारा इसको चाशनी में डालना होता है। तो अच्छे से पानी निकाले ताकि इसमें पानी ना रहे। और ये देखिए, सारा जो टूटी फूटी है वो हम निकाल लिया है। इसमें हम डाल देंगे चीनी। यहाँ पे हम 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम पानी डाला है और अच्छे से चीनी और पानी को हम उबालने देंगे। बहुत ज़्यादा आप पानी यूज ना करें, इसमें क्या होगा, जो चटनी है उसे गाढ़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो जितना आप चीनी डालें उतना ही पानी डालें। तो अब देखिए, चटनी तैयार है। अब हम इसमें ये जो पपाया का पीसेस है वो हम डाल देंगे और इसे हम चटनी में 20 से 15 मिनट हम इसे उबालने देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे टूटी फूटी को डाल दिया है। अब हमें इसमें अच्छे से इसे रहने देना है 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट, ताकि जो चटनी है इसके अंदर पूरी तरीके से जाएगा और इसका मिठास बनाएगा। चटनी जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हमें फ्लेम को बंद कर देनी है और इसे हमें बाउल में निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि चटनी इसके अंदर पूरी तरीके से जा चुका है, 20 से 25 मिनट हो गई है। तो बस अब हमें फ्लेम को बंद कर देनी है और इसे अब हमें एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख के आपको पता चलेगा कि चटनी इसके अंदर जा चुका है। अब हम इसे 3 अलग-अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसका अब हम कलरिंग करेंगे। तो आप चाहे तो अपनी मनपसंद कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो ये अब हम कलर डालेंगे। ये जो कलर है इजीली आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो अब हम इसमें कलर डालेंगे 3 अलग-अलग। पहले हम डालेंगे येलो और फिर रेड और फिर ग्रीन। तीनों कलर डाल के हम इस तरीके से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ रही है। तो इस तरीके से हम रेड भी डाल देंगे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन ही तीनों अच्छा लगता है। कलर डाल के इसे हमें 8 से 10 घंटे तक ऐसे रख देनी है ताकि जो कलर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और जो चटनी है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो 8 से 10 घंटे के बाद फिर हम यहाँ पे टिश्यू पेपर ले लिया है और उसके ऊपर ये जो टूटी फूटी है वो हम रख देंगे, ताकि क्या होगा, जो चटनी है वो इस तरीके से जो भी इसके ऊपर है वो सूख जाएगा। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं या पंखे के नीचे रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएगा। और ये देखिए, आज की हमारी टूटी फूटी तैयार है। तो बस अब हमें तीनों कलर को मिक्सिंग कर देनी है या आप चाहे तो अलग भी रख सकते। आज की हमारी टूटी फ्रूटी की रेसिपी तैयार है। आप इसे कोई भी कुकीज, ब्रेड या केक में यूज कर सकते हैं। तो आसानी से आप अपने घर में इस टूटी फ्रूटी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और एंजॉय करें। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें।